जय श्री स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, श्री सहजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय में विषयांक यानी कि आज का पाठ है सुबह, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक सच्ची घटना है और ये पाठ है उसके आधार पर है। ये एक रेशमा की कहानी है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको ज़्यादा बताऊंगी तो आपको सुनने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। शब्दार्थ और मुहावरे यहाँ लिखे हुए हैं और आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं। सुबह यानी इसका मतलब क्या होता है? सुबह यानी कि सवेरा, हमारा दिन सवेरे से शुरू होता है। तो रेशमा की कहानी भी ऐसी ही है, वो हर रोज उठती है और हर रोज हिम्मत के साथ क्या क्या काम करती है और उसकी जो कमियां है उसको पोलियो है, फिर भी वो हमेशा अपनी जुस्से को बनाए रखती है और हर रोज हर सुबह नए नए काम करती है। तो उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम आज की कहानी की। ये कहानी है वो सत्य हकीकत की है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के छाले उतार रहे हैं। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है, रेशमा के घर की बात है। रेशमा के घर में साफ सफाई हो रही थी और रेशमा देख रही थी और रेशमा को लगा कि कोई ना कोई कुछ खास बात तो जरूर है, सब लोग सफाई कर रहे हैं। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बेटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। वो अपनी माँ से पूछती है कि आज कोई खास दिन है, तो उसकी माँ बताती है कि हाँ त्योहार आ रहे हैं, दिवाली के त्योहार आ रहे थे, इसलिए वो बताती है उसकी माँ कि त्योहार आ रहे हैं, हम पहले से ही साफ सफाई कर ले तो हमारा त्योहार अच्छा जाएगा। इसलिए वो कहती है, तुम भूल गई क्या, दिवाली का त्योहार आ रहा है तो तुम्हें याद रखना चाहिए। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं तो भुलक्कड़ हूँ, यानी कि मैं भूल गई कि दिवाली के त्योहार आ रहे हैं। तो वो बताती है अपनी माँ को कि मुझे तो आपने कोई काम नहीं दिया, सब लोग काम कर रहे हैं लेकिन मुझे आपने कोई काम नहीं दिया, मैं क्या करूँ तुम बताओ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा कि तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा काम दूंगी। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। वो रेशमा कहती है कि मुझे काम करने की बहुत इच्छा है तो तुम मुझे काम बताओ। तो उसकी माँ कहती, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक काम सोच रखा है तो वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वो उसको उसकी कुर्सी पे बिठा देती है। आप पाठ्यपुस्तक में चित्र देख रहे हैं कि रेशमा है वो कुर्सी पर बैठी है और पीछे उसकी माँ है, इसलिए कुर्सी पर वो बिठा देती है और कुर्सी को धीरे धीरे धकेलती है। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों के नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। वह जब छोटी थी, वो 5 साल की थी, तब से उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। उसको तेज बुखार था इसलिए उसके नीचे के दोनों पांव है वो बेजान हो गए थे। बहुत इलाज किया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई, यानी कि इलाज करवाया लेकिन उसके पैर ठीक नहीं हुए, उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है,
शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वो किसी की मदद पहले लेती थी, लेकिन जब वो बड़ी हो गई तो वो सारे काम अपने खुद करने लगी। वो किसी से भी अपने काम के लिए मदद नहीं लेती थी। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वो अपने परिवार को वो बुलाती नहीं थी, कुछ भी काम हो तो वो अपने आप कर लेती थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। वो सबकी आंखों का तारा है, यानी कि मुहावरे में आंखों का तारा होना उसका मतलब है बहुत प्यारा होना। रेशमा है, वो सभी दादाजी, दादी जी और उसके भाई, पिताजी सबके सबको बहुत प्यारी थी। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए हैं, साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशू अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटा दो। ओके, उसकी माँ ने उसके लिए जो काम सोच रखा था वो उसे बताती है। क्या बताती है? वो उसने जो बोतलें, डिब्बे जो साफ सफाई रसोड़े में कर रही थी वो उसके उतार रखे थे, तो वो रेशमा को बुलाती है। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलती हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। उसकी माँ ने क्या सोच रखा था? उसकी माँ ने सोच रखा था कि वो डिब्बे के ऊपर जो लेबल है वो लगाएगी। ये डब्बा किसका है, इसमें क्या रखा है, वो लेबल लगाती गई और रसोई घर है वो फिर से चमचमाने लगा। यानी कि रसोई घर में डिब्बे रखने में उसकी माँ ने रख दिए, लेकिन उसमें लेबल ले है वो ये रेशमा लगाती गई। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी, दादाजी बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी। रेशमा है वो, उसको पोलियो है, फिर भी उसकी हिम्मत, वो कभी हारती नहीं। उसकी कमजोरी को उसने ताकत बनाया था। उसको, उसकी माँ को सामान लेने को जाना था बाजार में, लेकिन दादी जी और दादा बहुत बुजुर्ग है और गोलू उसका भाई वो बहुत छोटा था। तो रेशमा कहती कि इसमें क्या, मैं तुम्हें सामान बाजार से लेकर आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। वो कहते हैं कि नुक्कड़ पे, एटले के हम गुजराती में बोले तो शेरी में, एक दुकान है, उससे उस वहीं से ही सब सामान मिल जाएगा। तुम वहां से ले आओ एक थैला और मुझे एक थैला दे दो, तो मैं उसे लेकर आऊंगी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी, वो हिम्मत से बोल रही थी। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। वो गोलू के लिए भी कुछ लाती है, यानी टॉफी यानी कि चॉकलेट वो उसको लाकर देती है। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। ये दिवाली का त्योहार है, वो त्योहार है, वो सत्य की जीत होती है कि इसलिए मनाया जाता है। तो वो दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था, सभी जगह रोशनी ही रोशनी थी और रेशमा का घर भी रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी दादी जी और दादाजी उसको कहानी बता रहे थे कि हम दिवाली का त्योहार क्यों मनाती है। इस दिन राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे, इसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है।
रेस माँ और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू ने अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़िया छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगरिया निकल रही थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। ये कहानी उसके दादा दादी जी सुना रहे थे कि राम जब रावण से जीत कर वो अयोध्या लौटे थे तब भी ये त्योहार मनाया जाता है। लेकिन वो देखती है कि गोलू है वो पटाखे जला रहा था और वो जब उस पटाखे को चिंगारियां उसमें से निकल रही थी यानी कि वो जल रहा था, लेकिन गोलू को पता नहीं था कि वो पटाखे जल रहे हैं। रेशमा चिल्लाई कि गोलू गोलू तुम इस पटाखे से बचो, लेकिन इस पटाखे की आवाज सुनकर कोई सुन पा नहीं रहा था कि रेशमा क्या कह रही थी। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। रेशमा ने क्या किया, वो चिल्लाई तो सही लेकिन कोई सुना नहीं, इसलिए उसने क्या सोचा, वो गोलू के पास कुर्सी को धकेलती गई और गोलू को जोर से धक्का दिया। एक एक गोलू वहां से धक्का लगा इसलिए वो गिर गया। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की पुत्री ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। गोलू को तो पता नहीं था कि वहां पटाखे जल रहे थे। रेशमा ने जब उसके धक्का दिया तो वो खुद भी गिर पड़ी। धड़ाम जैसे आवाज आई और गोलू को उसने अपनी फुर्ती से बचा लिया। वो उसको जोर से धक्का देती है लेकिन गोलू को समझ में नहीं आता कि किसने धक्का दिया और मुझे क्यों धक्का दिया। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे थी। कुर्सी वो जो बैठती थी वो कुर्सी है वो उसके ऊपर गिरती है, वो नीचे गिर जाती है और गोलू को बचा लेती है। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। वो सारी बात बताती है कि गोलू को मैंने जलने से बचाया इसलिए मैं गिर पड़ी, और सब लोग खुश हो गए और उसने रेशमा की पीठ थपथपाई यानी कि शाबाशी दी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दादी दीदी आज तो अपने मेरी जान बचा ली, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, यानी कि ये धक्का मैं हमेशा याद रखूंगा कि क्योंकि आपने धक्का दिया इसलिए मैं बच गया। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की सारी कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। रेशमा है, उसको पोलियो था, उसकी शारीरिक कमी थी उसको, लेकिन फिर भी वो कोई काम ऐसा छोड़ती नहीं थी जो उससे हो सके। वो कभी अपने इरादों को हमेशा मजबूत रखती थी और अपनी कमी को उसने हमेशा आगे कमी है वो उसको उसके इरादों को कभी तोड़ नहीं पाई। वह आज भी उतना ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है और वह हर सुबह एक काम में नए इरादे से झूठ जाती है। यानी कि ये सुबह नाम क्यों है इस पाठ का, क्योंकि रेशमा हर सुबह उठती है और हर सुबह नए नए काम करती है और नए इरादे से उठती है और हमेशा जिंदा दिली और परिश्रम से अपनी कमियों को वो छिपाती है। यानी कि अपनी कमियों को उसने परिश्रम और जिंदा दिली से छुपा के रखा, अपने इरादे को हमेशा मजबूत रखा। तो ये थी हमारी कहानी रेशमा की, कि जो सुबह यानी कि वो हमेशा सुबह उठकर नए नए काम शुरू कर देती थी, इसलिए इस पाठ का नाम सुबह है। नए नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री स्वामीनारायण।
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर SSGM यूट्यूब चैनल। साहब बहु गर्मी थाई छो।